हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्रूड गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र और आज हमारे पास एक और एग्जॉस्ट है जो कि है कोबरा ब्लैक प्रीमियम। तो इसका मैं रिव्यू करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं डिटेल्स पूरी और इसका टेस्ट भी करेंगे, साउंड टेस्ट, जिसमें मैं इसको रनिंग टाइम में दिखाऊंगा कि आपको कितना डिस्टेंस पे कितने साउंड इसकी आती है, कैसा साउंड है, कहाँ से आप बाय कर सकते हैं और क्या प्राइस है इसका, वो सारी डिटेल इस व्लॉग में अब बताऊंगा। तो मेक श्योर इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। फिट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स और वो आप तक पहुंच सके तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को फिट करते हैं, देन बाकी डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिट हो चुका है, इजी टू फिट है। तो जल्दी सुनाते हैं उनका साउंड, देन एक टेस्ट करेंगे तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वो साउंड और टेस्ट दोनों साथ में देखते हैं। साउंड बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। राइडिंग करते वक्त जब आप देखेंगे तो बास साउंड जो है ज्यादा आ रहा है, क्योंकि शेप जो है इसका यहाँ छोटे से पतले से मोटा हो रहा है, तो ऐसे शेप के जितने भी साइलेंस होते हैं उसमें बेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है और थंब थोड़ा कम, तो सेम है। एंड एक और चीज जो मेरे को इस साइलेंसर में सबसे यूनिक लग रही है, जो अलग लगता है इसको बनाता है, वो इसके कोबरा स्टाइल, कोबरा का एकदम जो फन टाइप होता है ना, वैसा ही सेम लुक आ रहा है। एंड एक्चुअल में ये जब जब इसको हम रेव करते हैं, जब आप एक्सीलेटर देते हैं, तो कोबरा जैसे जो फन जब फैलाता है, गुस्से में रहता है, वैसा एकदम रॉ साउंड आ रही है। तो पर्सनली पसंद आ रहा है। एंड सेंस के जितने भी एग्जॉस्ट मैंने देखे ना, उसमें सभी में आ रहे हैं डबल क्लैम्प, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। डबल क्लैम्प से कभी भी वाइब्रेशंस नहीं होते, जब आप 80 की स्पीड में जब गाड़ी इस साइलेंसर के साथ में जाते हैं तो वाइब्रेशंस नहीं होते। दो क्लैम्प इसको अच्छे से ग्रिप देता है, पकड़ के रखता है। ऊपर एक प्लेट दे रखी है, मेटल प्लेट दे रखी है, जिससे जो पिलियन है जो पीछे बैठते हैं उनका टांग यहाँ टच ना हो, और जो ब्लैक कोटिंग है या फिर क्रोम में भी अगर आप लेते हैं तो वो क्रोम या ये ब्लैक खराब ना हो, दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल है। एंड पीछे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्रोम टच एंड पॉइंट पे दे रखा है, वो एक्चुअली चार चांद लगा रहा है लुक पे, अंदर रेड थोड़ा सा टच दिया हुआ है थोड़ा सा अलग करने के लिए। एंड आगे स्लीव आ जाएगी, BS4 BS3 दोनों के लिए है। अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल रेटिंग के बारे में, तो प्राइसिंग बताता हूं। अगर इसका पेंट एंड क्वालिटी ऊपर ओवरऑल के लुक के बारे में बात करूं तो मैं इसको 8 दूंगा, एंड अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मैं इसको 10/10 देने वाला हूं, क्योंकि साउंड सच में ही वाइब्रेट नहीं कर रहा है। 10/10 मेरी तरफ से रहेगा इस एग्जॉस्ट को। एंड 3000 में ये एग्जॉस्ट पड़ रहा है आपको घर तक, मतलब इसका डिलीवरी और कोरियर चार्जेस सब कुछ इंक्लूड हो चुका है, तो रेट को भी 10/10 मिलने वाला है। कहाँ से आप बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली बाय करना पड़ेगा आपको, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए। अगर आ जाता है इन फ्यूचर तो मैं अपडेट जरूर कर दूंगा, बट अभी के लिए आपको डायरेक्टली बाय करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, मैक्सिमम सेंस के जितने भी साइलेंसर्स हैं उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, ताकि आप डायरेक्टली बाय कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये साइलेंसर का, कोबरा साइलेंसर का रिव्यू बहुत ही पसंद आया होगा। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। ये इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है तो जरूर पूछिए, वो बोलने की जरूरत तो नहीं है। एंड अगर नए हैं मेरे चैनल पे, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक तो दबाना ही है, ठीक है, और पसंद आया दूसरे फ्रेंड को चाहिए तो शेयर जरूर करना है। तो बाय।